आपके पास स्टार्टिंग सॉल्यूशन है, ये कोई भी सॉल्यूशन स्टार्टिंग छोड़े, मैं आपसे कहूँ ये ऑप्टिमल है या नहीं, क्या क्या अटेम्प्ट सही है? नहीं, आपने नॉन बेसिक के क्वेश्चंस कैलकुलेट करने हैं, स्टेप्स क्या है, बड़ी फिंगर टिप्स पे आराम से। मुझे बार सफा लगता है ये वो वाले पुराने वाले मेथड से ज्यादा इजी मेथड है, कैलकुलेशन इसमें कम है, सिर्फ है कि स्टूडेंट्स को अपने आप को ऑर्गेनाइज करने है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इट मीन्स ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो वही मैं आपको टिप बताने लगा हूँ, मैंने ये जो चीजें हैं ये वाली ये कैलकुलेट करनी है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग सॉल्यूशन है, क्या करूंगा? सबसे पहला स्टेप, अभी ये कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कैसे कीजिए? आप ऑनलाइन में तो आंसर कर देते थे, फिजिकल में रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। अभी ये करवा चुका हूं आपको प्रीवियस लेक्चर, आप मल्टीप्लायर मेथड यूज करोगे, आपने ये कोएफिशिएंट्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पता क्या है? यू आर माइनस यू आर प्लस सी जे माइनस सी आई जे, ये फॉर्मूला है, इससे आपने कैलकुलेट करके ये कोएफिशिएंट मिल जाने। लेकिन यू आई और वी जे ये बेसिक वेरिएबल्स सेल से हम उनके मल्टीप्लायर्स को कैलकुलेट करेंगे, तो दो स्टेप है, पहले मल्टीप्लायर्स को कैलकुलेट करने नंबर वन स्टेप, और मल्टीप्लाइज को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक वेरिएबल्स को कंसीडर करने मल्टीप्लाइज। और ये कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं? नॉन बेसिक के कोएफिशिएंट्स के लिए वर्किंग हो रही है, करना हमने नॉन बेसिक के कोएफिशिएंट है लेकिन वर्किंग इसके लिए हो रही है। लेकिन उससे पहले हमारे पास ये मल्टीप्लाइज यू आई और वी जे ये कैलकुलेट करने हैं और यूजिंग बेसिक वेरिएबल। बस एक छोटा सा पॉइंट, और इसकी टिप क्या है, इधर तो मैंने स्लाइड यूज की, आप U1, U2 कैलकुलेट करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, 2 to 3 मिनट सिर्फ चाहिए मल्टीप्लाइज को, और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं सेम 2 to 3 मिनट। आपकी अगर स्पीड इस लेवल पे आती है इट मींस ठीक है, अगर इससे ज्यादा है तो इट मींस आप अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, आपका फॉल्ट है, प्रॉब्लम का नहीं। जैसे मैं अभी आपको आज ही दिखाऊंगा कि ये मल्टीप्लाइज कितनी देर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था बात कोएफिशिएंट्स, तो आई थिंक ये हम कैलकुलेट कर चुके थे, पर अगला स्टेप था एक दफा और करना है क्योंकि ये दो आइटरेशन में जाएगा, आपका रिपीट हो जाएगा। हम जी यहां तक मेरे ख्याल में कैलकुलेट हो चुका था, आप देख सकते हो नॉन बेसिक सेल्स कौन से, 1 3 एम्प्टी सेल्स, 1 3 1 4 2 1 3 1 3 2 3 3 ये एम्प्टी सेल्स है, और इन्हीं के लिए आपने ये कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट किए। सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, दूसरे भी कैलकुलेट कर ले कोई हरेश नहीं है, वो जीरो होंगे। बेसिक वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ये जेड रो के कोएफिशिएंट्स से आप समझे, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो उसके जीरो है, अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो वो जीरो आएंगे। तो इसलिए उस एफर्ट से बचे, उनको कैलकुलेट ना करें, सिर्फ इनको ही कैलकुलेट किए, कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे बताएं एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, अगला तो काम यही है, हमें ये तो पता चल गया ये ऑप्टिमल नहीं है, तो मोस्ट पॉजिटिव, और वो कौन सा है? पहले तो ये मोस्ट पॉजिटिव। अच्छा मैंने करना क्या है, वो रो ऑपरेशन साइज ज्यादा टाइम ले रही है, ये इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा, हाँ समझने में टाइम लगेगा, अगर किसी स्टूडेंट को समझना है मुझे कोई मसला नहीं, मैं थर्ड लेक्चर तक चला जाऊंगा, लेकिन समझना है आपने, बहुत सिंपल ट्रिक है, आप इसको बेसिक बनाना चाह रहे हो, यही है ना जो नॉन बेसिक है। एंट्रिंग बेसिक बनाने के लिए क्या करना होगा, इधर कोई ना कोई नंबर ऑफ ट्रैक्स इम्पोज करने होंगे, वे कहेंगे भाई तुम 3 ले लो 5 ले लो, कोई ना कोई तो कैलकुलेट होगा, तो इसके अंदर हमने कोई पॉजिटिव अमाउंट डालनी। एंट्री का क्या मतलब होता है, जब आप एंट्रिंग करते थे बेसिक आता था और सॉल्यूशन कॉलम में उसको कोई ना कोई वैल्यू आती थी, 5 4 6 कैलकुलेट होके, पिवोटल रो जब कैलकुलेट होती थी तो सॉल्यूशन कॉलम में उस वेरिएबल की कोई पॉजिटिव वैल्यू आती थी, इस सेल की भी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। अभी मुझे नहीं पता वो क्या होगी क्योंकि एंट्रिंग के बाद, मैं उसको सपोज कर लेता हूं थीटा, थीटा सपोज कर लेता हूं। ये शिपमेंट है, क्या ये नया वेरिएबल आया,
हमने इसके थ्रू इस साइलो से, पहले तो इस साइलो ने किसी मिल को कुछ नहीं दिया, अब मैंने इस यानी साइलो वन ने, सॉरी क्या है, साइलो थ्री ने मिल वन को अभी कुछ नहीं दिया प्रीवियस अटेम्प्ट में। अब क्योंकि ये मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, मींस इसको एंट्रिंग बनाना है, अब मैं कहूंगा कि इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए थीटा सपोज कर। अच्छा, मिनिमम प्रॉब्लम होता था आपका, ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन क्या होती थी, सारे नेगेटिव होते, मिनिमम जीरो की बात कर, सारे नेगेटिव पे ऑप्टिमल होता था। अभी मुझे लगता है कि आप वाइवा अभी शुरू हो गया तो आपके माइनस मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्टिमैलिटी मिनिमम मैक्स का नहीं पता, तो मिनिमम प्रॉब्लम है सॉल्यूशन ऑप्टिमल तब होता है कि सारे ऑप्शन नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव एंटर होता है। चलो दोबारा से देख लीजिएगा इधर टाइम वेस्ट नहीं। तो बात सुने, हम सबको कंफर्म है, आप बाद में वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो हमारी बात मान लो कि जो पॉजिटिव अगर एग्जिस्ट करता है, इट मींस ऑप्टिमल नहीं है, सारे पॉइंट मैक्सिमम में था कि मोस्ट नेगेटिव को एंटर करते थे, मींस सारे पॉजिटिव होने चाहिए। हाँ, तो ये प्रॉब्लम मैंने प्रीवियस बताया था, ट्रांसपोर्टेशन होता ही मिनिमम का है, मैक्सिमम का हो ही नहीं सकता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो सब नेगेटिव करने, तो पॉजिटिव की एग्जिस्टेंस ये देखिए, पहले हमारे पास ये थ्री पॉजिटिव वैल्यूज आए, इट मींस इन्होंने बता दिया ऑप्टिमल नहीं है सॉल्यूशन। अभी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या थी प्रीवियस लेक्चर में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या थी, 520, ये भी याद रखना है आपने, $520। इसका मतलब, इसकी एग्जिस्टेंस का मतलब है $520 से कम में ये सॉल्यूशन दिया जा सकता है, तो ये पॉजिटिव है। और हमने कौन सा एंट्रिंग लेना है, मोस्ट पॉजिटिव। फाइव में मैंने एक क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था अगर मैं कोई और पॉजिटिव ले लूं तो फिर क्या होगा, वही क्वेश्चन आप लोगों से। इसका मतलब है वॉयलेशन नहीं है, हाँ इतनी वॉयलेशन जरूर है कि सिंप्लेक्स मेथड को क्यों थका रहे हो, जब सिंप्लेक्स खुद कह रहा है कि एक एल्गोरिदम है, एफिशिएंट एल्गोरिदम होना चाहिए। आप भी अभी तक प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं, आप अभी तक एफिशिएंट प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने कोई भी प्रोसी का प्रोग्राम डेटा स्ट्रक्चर का मेरे पास ले है, मैं उसी टाइम पे, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज इसमें है, मैं आपको उसी टाइम, मैं एल्गोरिदम का स्टूडेंट हूँ, मैं उसी टाइम बता दूंगा कि ये स्टूपिड प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है, सोल्यूशन आ रहा है। तो हर एक का प्रॉब्लम सोल्यूशन देना कोई बड़ी बात नहीं, ऑप्टिमल सोल्यूशन देना, बेस्ट सोल्यूशन देना, ये आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग में ये चीजें सिखाई जाती है। तो मैं स्टूडेंट हूँ आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग का नहीं। तो अभी देखिए, इसमें अगर आप मोस्ट पॉजिटिव को लेंगे तो मिनिमम आइटरेशन में आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कोई ले लेता है तो हरेश नहीं। हाँ, एग्जाम में को लेगा, मार्क्स डिडक्ट करूंगा, हालांकि ये ना कुछ स्टूडेंट कह के आपने कहा था आंसर तो मैं भी दे रहा हूँ एफिशिएंट वे में आंसर दे, तो इसमें आपके पास आ जाएगा ये मोस्ट पॉजिटिव। अब जरा मुझे लगता है थर्ड लेक्चर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर बहुत सी चीजें बताने वाली हैं, चलो मैं पेस स्लो कर लेता हूँ। इसमें कोई अमाउंट देनी है इसको, यानी शिपमेंट चाहिए मुझे, पहले एलोकेशन नहीं थी, अब क्योंकि मुझे ऑप्टिमैलिटी कंडीशन ने बताया कि इसको शिप, इधर से जरूर शिपमेंट होनी चाहिए, कोई ना कोई नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने होंगे मुझे नहीं पता, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं थीटा, और जब थीटा दूंगा जरा गौर करें, यहां पे कहने सिर्फ क्या टर्म यूज करने के लिए, आर्ट वर्क ही है कि आपका, तो इसको आपने सीखना है। ये थीटा जगह अगर कर देंगे आपकी सप्लाई और डिमांड डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी, देखिए इधर थीटा आने में इस रो में पहले 10 थी और वो पूरी सप्लाई और डिमांड इक्वल थी, इधर आपने ऐड कर दिया तो 10 में कुछ लेस करना पड़ेगा तब बैलेंस होगा, ये 2D इंफॉर्मेशन है। इधर मैं अगर थीटा इंपोज कर दूं तो मुझे उधर थीटा ही माइनस करना पड़ेगा 10 में,
तब ये बैलेंस होगा। तो अगर मैं उधर थीटा माइनस करता हूं तो कॉलम में डिस्टर्बेंस नहीं हो जाएगी? जरा गौर करें, जब मैंने थीटा इसको दिया तो इट मींस इसको मैंने प्लस कर दिया, प्लस थीटा, तो वो इधर माइनस करके मुझे बैलेंस करना होगा, उतना ही माइनस करने जितना ऐड किया। जब मैं इधर माइनस करूंगा तो ये कम हो जाएगा। जाहिर है ये पहले डिमांड पूरी ये थी ना, 10, 5, 15 डिमांड थी, थीटा माइनस हो गया तो इधर इम्बैलेंस हो गया। तो इट मींस मुझे इधर क्या करना होगा, वही थीटा ऐड करना होगा। थीटा ऐड प्लस का डिसीजन लेना। जब इधर कुछ ऐड किया इसमें डिस्टर्बेंस हो गई, फॉलो करें, कॉलम में अगर कुछ करोगे तो रो में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो इधर इस रो में कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। किसको माइनस करना है वो अभी हम देख लेते हैं। इधर माइनस करना है, ये इधर माइनस करना है। मैं सपोज कर लेता हूं इधर माइनस करना है, थोड़ी देर में बता दूंगा इधर क्यों करना है। जब इधर माइनस करूंगा तो इसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इधर क्या करना होगा, प्लस। इधर किया तो ये प्रॉब्लम, इसमें माइनस, और वापस आप जब इधर माइनस करेंगे तो इसका बैलेंस भी हो चुका होगा। ये जो आपने ऐड किया था वो यहां तक माइनस, इसका मतलब ये हुआ, ये जो असाइनमेंट आप कर रहे हो शिपमेंट, इसका क्लोज्ड लूप बना ले एक तरह से। क्लोज्ड आएगा तो हर रो हर कॉलम की सप्लाई और डिमांड बैलेंस हो गई। तो ये एक बड़ा जबरदस्त ट्रिक है, लेकिन इसके लिए क्लोज्ड लूप होना चाहिए। इसलिए मैं जब इधर आया था, इधर से मैं इधर गया, मैं यहां से यहां नहीं इसको एलोकेट, इसको की है। क्यों? मुझे रास्ता चाहिए क्लोज लूप का। अगर मैं इसको कर देता तो डायगनल वाइज तो मैं जा नहीं सकता, ये तो कॉलम है या रो है, बैलेंस आपका उधर ही खराब हो रहा है ना, या रो में हो रहा है या कॉलम में हो रहा है। तो आपने इस तरह का पाथ बनाना है जिसमें आपको रास्ता मिले होम का, जहां से आपने शुरू किया। तो अगर मैं इसके बाद इसको ले लेता तो मैं इधर नहीं जा सकता था, क्योंकि आपके ये जो क्लोज लूप है इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बेसिक वेरिएबल्स होनी चाहिए, तभी बैलेंस होगा ना। तो मैं इसको, इसको मैंने नहीं लिया बल्कि जंप लिया, तो मैं उस सेल को ले रहा हूं जहां से मुझे क्लोज्ड लूप का रास्ता मिले। अगर क्लोज लूप मिलेगा तो आपने देखा ये बड़ी आराम से बैलेंस होगा, प्लस थीटा, ये क्लोज लूप बना रहा। आपके लिए समझना बड़ी आसानी होगी, मुझे इसमें आधा घंटा लग गया इसकी ड्राइंग में। ये क्लोज लूप यही बनेगा, कोई और क्लोज लूप बन सकता है? हाँ, गुड क्वेश्चन। आप रिवर्स भी करोगे तो यही होगा। तो इसको रिवर्स करें या यानी क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज, इमटेरियल है क्वेश्चन। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। तो आपके लिए, आपने तो बैलेंस करना है ना, मैं इसको इधर ही रिवर्स चला देता हूँ। थीटा माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, सॉरी क्या बनेगा, ये प्लस है, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस। हाँ बिल्कुल बैलेंस हो रहा है, क्योंकि ये जो आखिरी माइनस हो रहा है वो थीटा ही जो आपने ऐड किया था उसमें। ये चीज समझ आ गई? तो ये आपने क्लोज लूप, अब आपके ऊपर है कि आप क्लोज लूप कैसे बनाते हो, कोई भी प्रॉब्लम। तो दो आइटरेशन मैंने की है, कम अज कम एक दफा और ये बात आ जाएगी सामने, क्लोज लूप कैसे। तो क्लोज लूप के बाद करना क्या है, ये कुछ टेक्स्ट भी है वो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ये मैंने वो बात कर दी कि आप क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज, ये शिपमेंट एडजस्टमेंट होगी। आपने थीटा उधर माइनस कर दिया, मैंने वो सारा टेक्स्ट ना ग्रे में कर दिया, इतना टेक्स्ट ना हो कि आप परेशान हो जाए। तो मैंने सारी कॉस्ट इधर ग्रे में कर दिया ताकि सिर्फ लूप नजर आया। तो ये देख सकते हैं आप, आपने इधर ऐड किया था, इधर माइनस कर दिया तो रो बैलेंस, ये माइनस किया तो कॉलम डिस्टर्ब हुआ तो आपने ऐड कर दिया बैलेंस, ये ऐड करने में इसमें डिस्टर्बेंस हुई, आपने क्लोज लूप इसमें नहीं माइनस किया, इसमें किया था कि आपको क्लोज लूप मिले होम तक, माइनस, ये डिस्टर्बेंस हुई, प्लस। तो आप ये कह सकते हैं ये थीटा है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं। तो ऑल्टरनेट सेल्स को जो कॉर्नर्स हैं उसको चेंज करते रहे। जब आपने इसको ऐड किया था ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस,
अगेन प्लस। इश्यू तो नहीं। अब अगला बहुत बड़ा इशू है, ये तो पता कर लिया कि थीटा अगर इधर करें तो आपके सारी सप्लाई और डिमांड बैलेंस हो सकती है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन थीटा क्या हो, क्या इस वेरिएबल को, उधर तो पिवट और रो थी, वो आपको खुद ब खुद रो ऑपरेशन कैलकुलेट करके एंटरिंग वेरिएबल की सोल्यूशन वैल्यू दे देता था, इधर आपने सोल्यूशन वैल्यू खुद से देख ली। सोल्यूशन वैल्यू के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव नाउ विजिबल सोल्यूशन। तो नेगेटिव नाउ सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है। अब आप बताएं अगर मैं थीटा को लेता हूं तो कौन से ऐसे सेल्स हैं जहां नेगेटिव होने का चांसेस है और कौन से ऐसे सेल हैं जो नेगेटिव हो ही नहीं सकते। अगर मैं थीटा को कुछ ऐड कर दूं, पॉजिटिव 2, 3, 4 कोई भी ऐड करता हूं, थीटा को सपोज कर लूं ये थीटा होगा, तो कौन से ऐसे सेल हैं जहां इनफिजिबल के चांसेस हैं, सिर्फ वहां से गेस करेंगे थीटा क्या होना चाहिए, जो जहां थीटा माइनस हो रहा है, जहां प्लस हो रहा है वो तो इनफिजिबल नहीं हो सकते, वो पहले ही पॉजिटिव है, मैं कुछ और ऐड कर दूंगा, मैंने नेगेटिव तो ऐड नहीं करना, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ऐड करूंगा, तो जिन जिन में प्लस थीटा है वो सेल्स नहीं। इसका मतलब है मुझे वो सेल्स बताएंगे जिसमें थीटा माइनस हो रहा है, वो बताएंगे मैं थीटा क्या लूं कि मेरा थीटा पॉजिटिव रहे और मैक्सिमम वैल्यू क्या लूं, यानी ये मैक्सिमम एलोकेशन करना चाह रहा है, एक वर्ड मैक्स का साथ ऐड कर ले। अब बताएं मैक्स थीटा क्या हो, आपके पास 5 माइनस थीटा है, ये माइनस वाले 5 माइनस थीटा 10 माइनस थीटा, तीन इन्हीं से ही इनको आपने, क्योंकि जब थीटा भी इंपोज करोगे तो इधर कोई रिजल्ट आएगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, क्या थीटा लें मैक्सिमम 5। एक चीज और नोट कीजिएगा, एंट्रिंग है उनमें से किसी एक ने लीव होना है। जब आपने इसको ऐड किया एंट्रिंग वेरिएबल ले रहे हो तो किसी एक वेरिएबल में लीप भी होना है ना, क्या ख्याल है, जब आप एंट्रिंग लेते थे कॉलम में तो लीप भी लेते थे, वो एंट्रिंग वाला जगह लेता था लीविंग की, तो अब ये जो वेरिएबल है ये एंट्रिंग वेरिएबल है, पहले एलोकेशन नहीं थी, इट मींस इसको जब एलोकेट करोगे पिछली जो पहले से ऑलरेडी एलोकेटेड है उनमें से कोई एक जीरो हो जाएगा। और नॉन बेसिक, किसी को लीव करने का मतलब क्या होता है, उस वेरिएबल जो लीव कर देता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो इट मींस इसमें से कोई वेरिएबल लीव होगा। अभी सिर्फ मेरे पास जो टारगेट है जहां से मैंने थीटा की वैल्यू गेस करनी है वो क्या है, मुश्किल तो नहीं प्रॉपर, शुरू में जब सीखेंगे तो हो सकता है बाद में इश्यू नहीं होगा। मुझे ये देखें, मुझे ये वैल्यू पॉजिटिव रखनी है 5 माइनस थीटा, एक ये वाला था x11, तो मैंने 5 माइनस थीटा पहली कंडीशन लगा ली कि जब मैं थीटा को लूंगा ये नेगेटिव ना होने पाए, ठीक है, ये गैस साइड पे देखने में आसानी होगी। दूसरा क्या था, ये 5 माइनस थीटा, तो जब मैं थीटा लूंगा तो ये भी x22 भी नेगेटिव ना होने पाए, और ये 10 माइनस थीटा, तो तीन ही ऐसे सेल्स से तीनों को मैंने x11 x22 x34 साथ लिख भी लिया, उसकी वैल्यू क्या है, क्यों थीटा के बाद यही से उसके अंदर तो वैल्यू स्टोर होनी है, अपडेटेड वैल्यू उसके अंदर आनी है। अब मुझे बताएं मैक्सिमम थीटा क्या हो, और इन्हीं में से किसी एक ने लिविंग बनना है, इन्हीं में से, तो आपको पता चल गया जब इनमें से किसने लिविंग बनना है तो उसका क्या मतलब है, हमारा फोकस किस पे होगा, उस वेरिएबल ने क्या होना है, वैल्यू क्या होनी उसकी, जीरो। आप सिर्फ थीटा ऐसा ले लें कि इनमें से कोई एक जीरो हो जाए, ऐसे भी कह सकते हैं उसको, तो थीटा की क्या वैल्यू ली जाए, अगर थीटा की वैल्यू मैं 5 के अलावा लेता हूं, यानी 7 ले लेता हूं, तो वो नेगेटिव आ जाएगी। तो ये ट्रिक और गैस आप जिन में से थीटा माइनस हो रहा है उनको साइड पे निकाल के रख ले, आराम से देखना आसान हो जाएगा आपके, और थीटा का गैस करना। तो अभी आपने मुझे कहा थीटा होगा 5, तो थीटा 5 लेंगे, वेरिएबल एक लीव करना है, ये 2 0 हो जाएंगे, क्या कहेंगे इसको, वैसे आप लोग ने जल्दी आंसर कर लिया, मैं इसके ना बोनस मार्क्स अनाउंस करने लगा, आंसर मिल गया मैं वापस हो जाता हूँ। ये चलें आपका विनीत पायलट, नहीं मैं माइंड बना के आया था, जिसने ये वर्ड यूज किया ना डीजे डेसी का,
और जिसने दूसरा आपने टाई का उसको मार्क्स मिला, तो आप दोनों मुझे नोट करवा दीजिए। ये वही केस है जब आप एक वेरिएबल लीव करते हो, एक तो लीव हो जाता है जब टाई आती है, दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा बेसिक के साथ जीरो वैल्यू के साथ होता है। दूसरे लोगों को भी समझ आई है, फॉलो किया पॉइंट को? आप एक वेरिएबल लीव, आपकी देखिए यहाँ टाई आ चुकी है, टाई क्या है, आप फाइव देते हो, ये दोनों जीरो हो रहे हैं, आपके पास किसको आपने नॉन बेसिक बनाना है, किसको बेसिक बनाना है, यहां झगड़ा डिसाइड करना है कि एक को बेस, सिर्फ एक को लीव करना है आपने, दूसरा जो है उसको रखना है, वो होगा बेसिक विद जीरो वैल्यू। ये स्पेशल किस्म का बेसिक है, नाम उसका बेसिक है लेकिन जीरो वैल्यू के साथ, और दूसरा जो नॉन बेसिक है वो तो आप क्लासिफाइड है, वो क्या वो है ही नॉन बेसिक और वो उसकी वैल्यू जीरो, यानी वो बेसिक नहीं है। समझ रहे इस बात को? तो इधर आपके लिए मेरे ख्याल में थीटा आसान हो गया। पहले आपने उस सेल तक कहां पहुंचे थे जो मोस्ट पॉजिटिव था, उसमें थीटा लगाया, थीटा लगा के क्लोज लूप बनाया, माइनस प्लस करके बैलेंस किया, और फिर जहां जहां माइनस वाले उनको सेपरेट लिखा, और वहां से थीटा गेस किया, थीटा क्या होगा। सिर्फ इतनी कैलकुलेशन है एंट्री, इसके अलावा और कोई नहीं। थीटा लेने वो नॉन ऑप्टिमेलिटी नहीं बता दिया कहां थीटा लेने, थीटा फिर क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट के बाद प्लस माइनस थीटा करके माइनस वाले को साइड करके थीटा गैस करने, और थीटा का गैस बड़ा आसान है, आपको वो ये राइट हैंड साइड पर जा जाएगा, आपने कहा थीटा फाइव होना चाहिए, तो वहां से आपको नॉन बेसिक वेरिएबल मिल जाएगा। अगर अकेला मिल गया ठीक है, ये केस डिजेंडेसी का आ चुका है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो क्या करें, थीटा फाइव, अब मैंने क्या किया, देखें ये फाइव होगा, ये क्या होगा, माइनस कर दे थीटा सब, फाइव टेन जीरो फिफ्टीन जीरो, ये दो जीरो है। अब आपकी चॉइस है किसको खाली करने और किसको जीरो लिखना है, देखिए बेसिक में बनाने तो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने क्या किया, मैंने इसको खाली कर दिया, इसको जीरो कर दिया, और ये आपके पास डेटा हो माइनस करने के बाद, कोई इशू तो नहीं। तो देखें इतना काम है एंट्रिंग का। अब आपकी समझाने के लिए तो टाइम लगता है, आपका सिर्फ ये थीटा प्लेस करना था और क्लोज लूप एक दफा बनाने, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस वाले को साइड पर रखे, थीटा गैस करे प्लेस, फाइव टू सिक्स मिनट्स में ये स्टेप हो सकता है। अगर कोई ज्यादा ले रहे हैं तो वो उसका अपना प्रॉब्लम है, हमारे एंट्रिंग कोई इशू नहीं। अब जब ये हो गया तो नया सोल्यूशन आया, अब इस सोल्यूशन के बारे में क्या बताने, फिर वही बात, जब आपने एक नया सोल्यूशन, ये देखिए सारे रो ऑपरेशंस हो चुके हैं उस साइड पे, देखिए वो जब आपने थीटा लिया था ना फाइव, तो असल में आपने पिवोटल जो एंट्री वेरिएबल था उसका सोल्यूशन ले लिया था, दूसरी रो को कैलकुलेट नहीं किया, और जो जब आपने थीटा माइनस प्लस कर रहे हैं तो सारे रो ऑपरेशंस लग रहे हैं, आप अगर उसके साथ कंपेयर करें तो जिंदगी आसान हो गई है इसमें। तो ये आपके पास जब आपको आ जाता था सारी आइटरेशन, तो क्या करते थे, अगेन ऑप्टिमेलिटी टेस्ट, और वो क्या होगा, अब ऑप्टिमेलिटी टेस्ट के लिए क्या करेंगे, आपको ये मल्टीप्लाईज दोबारा से कैलकुलेट करने पड़ेंगे सारे। आपसे पूछता हूं, यू आई प्लस बी जे, इनको यूज करते हुए मैंने मल्टीप्लाईज करने किन वेरिएबल्स को ले, नहीं मुझे वेरिएबल्स बताएं किन वेरिएबल्स को यूज करते हुए मल्टीप्लाइज कैलकुलेट कर लीजिए जी, जोर से मुझे वास्ता है, जरा जोर से डिसीजन, नहीं कोई और टर्म यूज करना, डिसीजन डिसीजन वेरिएबल सारे हो सकते हैं, कौन सा बेसिक, मैंने कहा था जब मल्टीप्लाइज कैलकुलेट करने बेसिक है, अभी अब इन्होंने जो बात कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगी, दोबारा नहीं होगी। डिसीजन वेरिएबल्स है ऑल वेरिएबल्स जो स्मॉल सिस्टम के, उनमें से कौन से जीरो और कौन से जीरो, ये फर्दर कैटेगराइजेशन है कि ये बेसिक है और ये, तो हमारा काम जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो डिसीजन हिस्ट्री बन गए, तो सारे वेरिएबल्स डिसीजन वेरिएबल। अब हम बेसिक और नॉन बेसिक, तो आपके मल्टीप्लाइज सिर्फ कैलकुलेट होते हैं बेसिक वेरिएबल्स,
और कोफिशिएंट्स कहां से, ये अभी मल्टीप्लाइज की कैलकुलेशन है, उसके बाद इन मल्टीप्लाइज को हमने यूज करना है। अभी सिर्फ ये इंटरमीडिएट स्टेप है कि मल्टीप्लाइज को सॉल्व करना है, असल में हम करना क्या चाह रहे हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ नॉन बेसिक वही देख लेते हैं ना। तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन बेसिक मल्टीप्लाइज आ जाएंगे तो वो भी हो जाएंगे। तो अभी सबसे पहले हम किस कौन सा वेरिएबल लें जहां से हम ये देख सकते हैं, कोई बेसिक वेरिएबल बता दें वन बाई वन है? अच्छा, ये मैंने स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव वैल्यू इधर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इस वक्त, जबकि इसकी टर्म देखे मैंने कहा ना एडिटिंग चाहिए आपकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट होने के बाद फिर इसका काम है। हो सकता है ये ऑप्टिमल है या नॉन ऑप्टिमल डिसाइड करने के बाद मैंने कि मैं स्टार्टिंग वैल्यू जैसे दिखा देता हूँ आपको, कॉस्ट पता क्या होगी 15 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 7, ये इन बेसिक को यानी नंबर ऑफ ट्रक्स को यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वो यूनिट कॉस्ट है एक ट्रक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक ट्रक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रूरल, 15 ट्रक्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई। तो आपका ये जो नया सोल्यूशन आया इसमें आप वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको इस कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें 475, पहले क्या था 520, तो देखिए मिनिमाइज हुआ। पाकिस्तानी मेथड था, आपने सोल्यूशन ले लिया, कह दिया मैंने आप ऑर्गेनाइजेशन को बता दें कि इस तरह ट्रांसपोर्टेशन कर ले, तो बेचारी 520 में दे रही है। अगर साइंटिस्ट से लेंगे तो वो कहेगा नहीं मैं सर्दी करके आपको बताऊंगा किस तरह से सप्लाई करनी, तो हम उस तरफ मूव कर रहे हैं। तो 475 में, जबकि ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए मैंने दोबारा फिर ग्रे को रेड कर दिया कैलकुलेशन में, कौन सा वेरिएबल लेना है, ये कंडीशन लगा के हमने मल्टीप्लाई कैलकुलेट करनी, कौन सा वेरिएबल बेसिक 1 2 x 1 2, जब मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूं x 1 2 को इधर पुट करने, x 1 2 की यू आई क्या है, यू आई प्लस वीजे है ना इक्वल टू जे, आई क्या है, ये जो ये वन जो है ये आई है ये जे है, तो आप क्लियर हो गया u1 प्लस v2 इक्वल टू c1 2, तो i और j आपको इस x 1 2 ने बताया i j, तो आप बताओगे ये देखें ये भी कैलकुलेशन 3 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। दूसरा बेसिक वेरिएबल आपका ये है 2 2, क्या होगा u2 प्लस v2 इक्वल टू 7, इस वेरिएबल को ले 2 3, u2 प्लस v3 इक्वल टू, आई थिंक समझ आ गई, इसी तरह इसका ले ले, ये ले ले और ये ले ले। तो ये जब ले लेंगे अब मल्टीप्लायर्स को, एक मल्टीप्लायर को 0 सपोज करना है स्टार्ट पे ताकि वो आपको एक ट्रेल दे दे, और वो लेना है u सीरीज में से कोई भी, तो u1 नॉर्मली हम 0 लेते हैं, एक रहता था अभी ये 0, v2 क्या आया 2, v2 को इधर प्लेस कर दे 2, u2 7, अब इसमें कितनी देर लगेगी, कोई भी इतना टाइम नहीं लगेगा, u2 5, 9 माइनस 5 4, v3, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि वो कंसेक्यूटिव चले, v3 इसमें, हाँ u2 मिल रहा है इसमें 5, v4 क्या होगा 15, u3 भी नहीं है, v1 भी नहीं है, नहीं v1 भी नहीं है, तो आगे चले जाएं, इसको सॉल्व कर लें, यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं है, u3, v4 ये पहले होगा 15 और u3 क्या होगा 3, u3 को इधर यूज करें, तो आई थिंक आपने जो भी अवेलेबल होगी उनसे सारी मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाइज कैलकुलेट कर लेंगे तो मल्टीप्लाइज को इधर प्लेस कर दें, ठीक हो गया, ये मैंने इधर प्लेस कर दिया u1 u2 u3 u1 u2। अब आपने क्या करना है, अब आपका असल काम शुरू हो रहा है, और सबसे काम डिफिकल्ट यही है एंट्रिंग का, तो देखा है आपने थीटा वर्जन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं करता, तो इसमें आपने क्या करना है नॉन बेसिक, अब वो कोफिशिएंट्स आपने नॉन बेसिक के लेने हैं, और वो नॉन बेसिक कौन से, बारी बारी ले लें, ये यहां से ये
ये कोएफिशिएंट इधर इस कॉर्नर में प्लेस करने हैं, और फॉर्मूला क्या वही जो पहले वाला था, ui plus vj minus cij, सिर्फ ये वेरिएबल है x11, और इसके लिए बड़ा आसानी से आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, दिस वन प्लस दिस वन माइनस दिस वन, यानी ui plus vj minus cij, तो ये होगा 0 प्लस 1 1 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 9, ऑप्टिमेलिटी की तरफ जा रहा है। दूसरा ये है 0 प्लस 4 माइनस 20 माइनस 16, 0 प्लस 15 माइनस 11, मतलब अभी ऑप्टिमल एक इटरेशन और होगा। अब पता चल गया रियाज, दोबारा तो नहीं भूलोगे, 2, 1, 5 plus 1 minus 12 कितने हो गया -6। ये बेसिक है, इनको देखें। अच्छा वैसे अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना निकलेगा, 0 होंगे, तो आपके वो जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ये कोएफिशिएंट दूसरे बेसिक के जीरोस होंगे। ये देखें, इसको देखेंगे आप, 3 plus 2 minus 14 minus 9, 3 plus 4, अब मेरे ख्याल में जल्दी से कर लेते, आपको पता चला कि अभी भी आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। टाइम कितना रहता है, 5 मिनट्स हो जाएगा। क्या करें, ये एंट्रिंग वेरिएबल थीटा इंपोज करेंगे, अब क्या करना है, क्लोज लूप। अब आप बताएं कौन सा क्लोज लूप है, सेल वाइज, ताकि पता चले आपको आइडिया, क्योंकि ये काम तो आपने करना है, मैंने तो स्लाइडो में ही करना होता है। थीटा को किधर लेके जाए, 15 में, देखिए एक चीज तय है, इसने जाना भी है और वापस भी इधर आना है, तो आप नीचे की तरफ मूव कर ले, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा 15 की तरफ से लाजमी जाएगा, इधर इधर जाने के बाद फिर किधर जाएगा, सेल नंबर बताए मुझे, 2 2 2 2 2 2 के बाद जाएगा 2 4, फिर 3 4 जाके क्लोज कैसे आएंगे, वापस कैसे आएंगे, नहीं 2 4 पे आ चुके हैं, आगे कहाँ जाना, 1 तो फैन चल रहे हैं ऊपर से, इतनी आहिस्ता आवाज में मुझे नहीं पता चल रहा, जोर से तहरीम नदी में ना, आज जोर से चलें। आप बताएं, मैं इधर से देखेंगे, थीटा 15, 2 2 2 3, थ्री फोर, 3 4 पे आप कह रहे हैं ये डायगोनल बन रहा है, डायगोनल तो नहीं आप मूव कर सकते, डायगोनल में नहीं आप जा सकते, वो तो बैलेंस रो कॉलम से ही हम बैलेंस बता सकते हैं, डायगोनल में तो दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है उसमें बैलेंस पे हम कंट्रोल कर सकते। जी जिसने बताने नए सिरे से बताए, इधर से आवाज आएंगे, यहां से थीटा, नहीं सेल नंबर बताए, थीटा ऐसे नहीं बोल के बताए, थीटा ये इधर ही जाना, ये इसे कहें 1 2 1 2, नेक्स्ट 2 2 2 2 के बाद 2 1 3, ये तो बेसिक सेल्स लेने होते हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, कुछ चीजें आपके माइंड में वो क्लियर हो जाएंगी, एम्प्टी सेल्स को नहीं जाना आपने, तो एक्शन ही आपका उधर ही है कि जिधर बेसिक को कम ज्यादा करने है ना, वो नॉन बेसिक में आपने जाके क्या करना है,
दोबारा से चलेंगे ऐसे थीटा वन टू 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 फोर थ्री फोर वापस एक आए फिर वापस आते ही ना नहीं आप अभी जरा गौर करें आप आए ना आप ऐड कर रहे हो वही माइनस करके वापस जा रहे हो तो रिडंडेंट मूवमेंट है ना। चले मैं आपको वैसे एक हिंट दे देता हूं जरूरी नहीं है कि हर बेसिक सेल को टच करके गुजरना है क्लोज लूप बनना चाहिए छोटा सा लूप बन रहा है। चले इधर से दिखा देते हैं तो आप ये मैंने इसलिए आपको कहा कि एक दफा इस प्रोसेस से गुजर जाए फिर बताऊंगा। ये देखें 1 4 से नहीं उधर जाएंगे तो आपको रास्ता लेफ्ट का नहीं मिलेगा 2 4 से 1 4 यही रास्ता था। ये देखें मैं दूसरा रास्ता ले रहा हूं मैंने कहा कोई भी रास्ता ले सकती हूं ठीक है जीरो पे आने इस पे आने तो किसने कहा है कि सारे रास्ते गुजर के आप नहीं जाने आप क्लोज लूप जो भी आपका बन सकता है आप बना सकते हो। और एक और चीज वैसे मैंने अभी फेस नहीं किया अगर मैंने कोई क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन बनाते होते हैं कोशिश करते हैं आपको कहीं से मिले भी तो गुस्सा बनाते हैं अजीब चीज भी बन जाती है बात तो अगर कोई वो अजीब चीज आपको कोई नई चीज हमें सिखा जाती है और आपको भी ऐसा अक्सर होता है तो वो जो नई चीज आ गई अगर उसमें ऐसी चीज आ जाए तो मैं फिर उसके लिए बता रहा हूँ अगर आपको कहीं दो डिफरेंट क्लोज सर्किट्स मिल रहे हैं दो पॉसिबिलिटीज अभी नहीं मुझे पता ऐसी सिचुएशन मैंने अभी तक नहीं देखी अगर आ जाए फिर क्या करेंगे कॉमन सेंस तो यूज करके हम कर सकते हैं फिर यही इश्यू रह जाएगा कोई भी ले ले। हाँ ये देखना पड़ेगा कि इनमें से कोई रिजल्ट बनाने के शॉर्टेस्ट सर्किट लेने या वो फिर एक्सपीरियंस ही पता चल सकता है। मैंने ऐसी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी वैसे तो इसलिए मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम जितना मैं हूं उतना ही आपको बता दिए थे कि अगर दो पॉसिबल है आप किसी को भी ले लें अभी तक तो यही हिस्ट्री है लूप डेफिनेटली बनेगा ये नहीं हो सकता है। हाँ अरे एक मिनट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन्होंने कहा लूप अगर बनता ही ना हो फिर ये कहीं स्पेशल केस में जाके गिरेगा इनफिजिबल अनबाउंडेड इस तरह का समझ रहे तो ये हो सकता है तो जब आपने बात की तो मेरे माइंड में आया कि ये हो सकता है क्योंकि हम देखते थे कि एक एक की पूरी लिविंग वेरिएबल का डिसीजन ही डेड हो जाता था अनबाउंडेडनेस में ठीक है वो स्पेशल केस में। हाँ यहां मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं अगर कोई फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल एग्जिस्ट करता है मॉडल वेल ऑर्गेनाइज्ड है वेल फॉर्मुलेटेड है अगर वो फॉर्मुलेटेड है तो डेफिनेटली आपको क्लोज लूप मिलेगा। जी थीटा थीटा किस तरह माइनस प्लस करेंगे ठीक हो गया कोई इश्यू तो नहीं ये तो आपने प्लस माइनस ही करना है और किनको उठा के आपने थीटा गेस करना है माइनस वालों को 15 माइनस थीटा और 10 माइनस थीटा को उठाना है यानी एक्स वन टू और एक्स टू फोर को उठाना है ठीक है पिक्चर जरा साइड पे रख के आसानी से उधर ना अटेम्प्ट दीजिएगा साइड पे रख के आसानी से क्या थीटा होना चाहिए अभी देखें आप कितनी आसानी से आप कह रहे हो कि 10 बड़ी ये थीटा की कैलकुलेशन नो इश्यू। अब आप करोगे 10 और वो माइनस सबट्रैक्ट कर दिया आप देखें क्या है ये क्या बन जाएगा नॉन बेसिक बेसिक आपका ये है ये नॉन बेसिक अब आपका ये 10 आ जाएगा यानी बेसिक और निकलेगा कौन सा ये एमपी हो जाए तो यहां डीजेनरेसी वो जो थी ना कौन सी डीजेनरेसी आई थी चलो ये भी बता दो टेम्पोरेरी डीजेनरेसी से निकल गया तो वो भी पॉइंट स्पेशल केस इसी को समझ आ जाएगा ठीक है। अब क्या करें एंट्रिंग वेरिएबल हो चुका है आ गया सॉल्यूशन यही फाइनल है या और कुछ करना है ऑप्टिमेलिटी टेस्ट लगा के रुक रहे हैं तो इट मींस यहां पे क्या कैलकुलेशन आएगी ऑप्टिमेलिटी के लिए मल्टीप्लायर्स मल्टीप्लायर दोबारा से कैलकुलेट करने पड़ते हैं और स्किन के सिर्फ बेसिक सेल्स के 1 2 अब जल्दी से कर दो इसको कोई इश्यू नहीं बेसिक सेल्स
ये मल्टीप्लाई इधर आ गए। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपका काम है कि नॉन बेसिक के कोएफिशिएंट्स, और नॉन बेसिक कौन कौन सी, वन वन, जीरो प्लस थ्री माइनस टेन माइनस थर्टी, सॉरी वो माइनस है ऊपर वाला, जीरो हाँ माइनस थ्री माइनस टेन, आगे आ जाएगा वन थ्री, जीरो प्लस फोर माइनस ट्वेंटी, नेक्स्ट आ जाएगा टू वन, फाइव प्लस माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व, नेक्स्ट सेल आएगा टू फोर, थ्री टू, थ्री थ्री, सारे कैलकुलेट हो गए। इज इट ऑप्टिमल और नॉट ऑप्टिमल, जान छूट। और अभी आंसर क्या देना है आपने, नहीं नहीं देखिए आप ऑप्टिमाइजेशन, आप लीनियर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, मुझे सब बताएं कि मैंने आपसे आंसर पूछा था, साइड पे मैं अगर आंसर लिखना चाहूं क्या लिखूंगा, एक सी हो गया। और मुझे ये भी बताना है कि वो तो टेबल के अंदर है, मुझे इसमें से एक्सट्रैक्ट करके बताने कहां कहां किस किस को एलोकेशन मिली है। तो आपका ये सॉल्यूशन है, आपका सॉल्यूशन बनेगा x12 equal to 5, मैनर्स होते हैं आंसर देने के लिए, तो है x12 equal to 5, 13 equal to 10, 24, ये आपका आंसर है। आपका आंसर ये है जो आपने कहा था ना z, सबके माइंड में वही आ रहा था, वो जरूर लिख ले, वो एक सेकेंडरी है, मतलब ये अगर ऑर्गेनाइजेशन को बताने उनको ये कहने ऐसे एलोकेशन करो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये नहीं इसको कहना है ये पकड़ लो 435, वो उसका क्या कहेगा, कहेंगे ये मिनिमम कॉस्ट है, तो अकेला मिनिमम कॉस्ट बता के क्या करना, वो बता वो पूछेगा मुझे बताओ ये मिनिमम कॉस्ट किस तरह आएगी, तो उसके लिए आपको वेरिएबल्स का वो जो सेट बताना होगा, और वो होगा बेसिक। अब आपको बेसिक और डिसीजन का पता चल गया होगा, ये बेसिक वेरिएबल और इसके अलावा जो है वो भी डिसीजन वेरिएबल है, उनमें हम एलोकेशन सजेस्ट नहीं करें, क्लियर पॉइंट। अब आगे आपकी जी, और जी बताने के लिए आप इसी को ही कैलकुलेट करोगे, और ये मैंने कैलकुलेट की है 435, और इस प्रॉब्लम के लिए 435 से लेस लीनियर प्रोग्राम का स्टूडेंट कह सकता है कि इससे मिनिमम हो ही नहीं सकता। जो आप गेस करके कोई सोल्यूशन दे सकते हो वो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है, लेकिन आप क्लेम